वापस विजयवाड़ा नहीं, हम लोग हमारी मेरी मम्मी की जो छोटी बहन है, मतलब मेरी जो मौसी हुई चाची हुई, उनके घर जा रहे हैं। सो उन लोगों ने हमको बहुत जल्दी आने के लिए बोला था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही नहाने धोने के लिए रेडी होने के लिए जा रहे थे, अभिषेक जो है बाहर सीढ़ियों के पास खेल रहा, सीढ़ियाँ मतलब जो चढ़ते हैं हमारे एंट्रेंस में जो है, वहाँ पे खुरदरा सा सीमेंट सीमेंट सा है, तो वहाँ पे वो गिर गया एंड थोड़ा सा उसको मतलब खून वून नहीं आया, लेकिन थोड़ा सा छिल सा जाता है ना, जैसे रफ सा हो जाता है, वैसा हो गया। वजह से जो है रेडी होने में काफी टाइम लग गया है ना, अभी हम निकले हैं एंड पहुंचने के बाद मिलवाती हूँ आपसे। एंड सराउंडिंग देखो गांव की, चारों तरफ आए थे, बोला था मम्मी वीडियो निकालो ना, चारों तरफ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा लग रहा है, ग्रीनरी एंड ऑल। फार्मर्स चेस्ते ने मन के आना मस्त है। आदित्य पूछा था इतना बड़ा एरिया ये फार्मर्स ने किया है, मैंने बोला हाँ फार्मर्स ने ही किया है, जब फार्मर्स इतनी मेहनत करते हैं तभी हम सब लोग को खाने के लिए मिलता है, ट्रू राइट, सो वी शुड रेस्पेक्ट फार्मर्स। सो एंट्री मार चुके हैं एंड ये रही प्रियंका एंड ये रही मेरी मम्मी की बहन, हाय जय पांडे, हाय हाय। इधर को स्ट्रॉबेरी नुकर जेबू, ये स्ट्रॉबेरी है, खाने वाली नहीं है। एंड अभी पकवान बन चुके हैं, हमने बोला सीधा खाना खा लेते हैं, बट खाती दवाई तो करनी है ना, इसलिए सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रेसिपीज नाउ। चिकन करी ओके, फिश करी ओ माय गॉड, इदेंडी बिरयानी वाव, दैट इज कर्ड पेरी चटनी कोड़ा ना मले, हां देख लो किसी चीज की कमी नहीं है, बस अभी खाने की देर है। इतना सारा क्वांटिटी में बनाया क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए खाली थोड़ा सा उधर परोसा है, बाद में वैसे इसमें से भी आने वाला है वहां पे। चुपिंदा मैम आई थी चाव ये चा पी थी कॉर्मेंट ओके, मेरे छोटे पापा हाय जी बच्चे ना, हाय जेपू, हाय। छोटी मम्मी के घर का भी एक होम टूर करवाती हूँ छोटा सा क्विक। सो छोटी मम्मी लोगों ने घर पूरा रेनोवेट, मतलब पूरा रिकंस्ट्रक्शन ही किया है, पहले पुराने ज़माने वाले टाइप का जो हट जैसे रहते थे दूसरे टाइप के वैसा था, फिर उसी जगह का उस पूरे प्लॉट को जो पुराना वाला था वो सब निकाल के रिकंस्ट्रक्शन किया है पूरा। सो काफ़ी अच्छी तरह बनाया है एंड सजाया भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो पूरा रेनोवेट होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, गृह प्रवेश के लिए भी आंटी ने बुलाया था लेकिन उस टाइम पे बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तब मैं आ नहीं पाई एंड इस बार मैंने सोचा पक्का जाना ही जाना है, तो मैं आ गई। सो ये हॉल था छोटा सा एंड दिस इज़ किचन,
और उसके बाद एक बेडरूम मैं आपको दिखा चुकी हूँ एंड दूसरा बेडरूम ये है जहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए हैं एंड आदित्य नमकीन खा रहा है, उसको यहाँ वाली नमकीन काफ़ी पसंद आ गई। एंड इसके बाद हम लोग डिनर कर लेंगे एंड डिनर के बाद हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया एंड उसके बाद हम लोग वापस चले गए। लेकिन बताने वाली बात यह है कि सारी रेसिपीज सुपर यमी सुपर ऑसम थी, सो थैंक्स टू माय छोटी मम्मी। मेरी छोटी मम्मी के घर से हम लोग 3-4 घंटे रुके थे वहाँ पे और फिर वापस आ गए हमारे ससुराल। एंड यहाँ पे अभी सुबह हो रखी है जब हम चाय पीते पीते कप्स के साथ जो है पीछे खेतों में पहुँच चुके हैं। एंड ये कुछ प्लांट्स हैं जो बहुत नए नए लग रहे थे मुझे, मैंने भी कभी देखे नहीं है। सो इसको कुछ बोलते हैं, बहुत ही अजीबोगरीब नाम है, बुड़बुच काय करके। उसके अंदर जब वो पूरा पक जाता है तब खाते हैं उसको। एंड ये जो फूल वाला देख रहे हो ना आप, ये जो खट्टे वाले पत्ते होते हैं ना जो हम लोग दाल में डालते हैं उसमें ही दूसरे पत्ते हैं, ये उससे भी ज़्यादा खट्टे रहते हैं। ऐसे गांव में बीज गिरते रहते होंगे तो कई जगह पे आ जाते हैं एंड दाल में डालकर आराम से खा सकते हैं। एंड ये हमारे जो पीछे वाले खेत हैं ना वहाँ पे गाय भैंस लगी हुई है एंड आदित्य एंड अभिषेक और ये भी मेरे साथ में आए हैं। एक्चुअली आने का रीज़न ये था, आदित्य जो है मेरे ससुर जी को अपने दादाजी को ढूंढ रहा था कहाँ चले गए कहाँ चले गए, तो उसका डाउट था कि यहाँ पे आए हैं करके। ये देखो ये है, ये बुड़बुचकाए बोलते हैं। जब ये पूरा पक जाता है अंदर से एक बीज निकलता है, बीज मतलब मटर जैसा रहता है, वो काफ़ी टेस्टी रहता है बोलते, लेकिन अभी तो कच्चा है वो। सो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पे एक डॉगी बंधा हुआ है और हमको देख के खूब चीख रहा था पहले जब हम जा रहे थे, लेकिन अभी शांति से बैठा है। एंड यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, कस्टर्ड एप्पल है ना वो देखो, उसके भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं एंड काफ़ी सारे कस्टर्ड एप्पल है इसके ऊपर। एंड अभी सीज़न भी चल रहा है तो मार्केट में विजयवाड़ा में भी खूब हर जगह जगह पे रेडी पे लगा के बेच रहे। उसके बाद ये जो मेरी दूसरी सासू माँ है, 2-3 सासू माएँ यहीं पे रहती हैं, सो 2-3 मतलब टोटल 4 है सासू माएँ यहाँ पे। सो ये कल के वीडियो में आपने दूसरी वाली सासू माँ को देखा था, ये दूसरे वाले सासू माँ है, उनके घर पर आए हैं हम लोग। सो एंट्रेंस में ये रेड वाले फूल बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने देखना शुरू किया एंड उसके बाद आई नोटिस कि बहुत सारी तितलियाँ आनी शुरू हो गई। एंड मैंने तितलियों को ऐसे जूस निकालते हुए पहले कभी नहीं देखा था, मतलब जैसे वो जो जूस खींचती हैं तितलियाँ, क्या है जूस ही पीती है, फूलों का जो जूस होता है वो ही पीती हैं। और यहाँ पे एक और पेड़ है, ये बड़ा वाला मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, वो तितली वाला, ये पहले दिखा देती हूँ। दिस इज़ बड़ा वाला मौसम्बी बोल लो या जिससे जूस निकालते हैं ना वो है, बहुत ही बड़े बड़े हैं, एकदम जैसे खरबूजा रहता है ना उतने साइज़ का है ये। एंड इसके अंदर का जो है वो पूरे रेड कलर में होता है, जैसे अपना ऑरेंज होता है ना वैसे, एक एक निकाल के इसको स्लाइस निकाल के खा सकते हैं एंड पूरा और रेड कलर में रहता है। एंड काफ़ी सारे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मेरे को कहीं पे भी पहले कभी पेड़ दिखा नहीं है, मतलब यहाँ पे तो है करके मालूम, लेकिन मैंने सिटी में ये वाला फ्रूट बेचते हुए भी कहीं पे नहीं देखा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रूट, और अभी तो कच्चे हैं तो जब तक पकेंगे बहुत सारे दिख रहे हैं, बीच में थोड़े अपने आप टूट जाते हैं, कुछ रहते हैं एंड फाइनली कुछ रह जाते हैं जो खाने लायक बनते हैं, कुछ मतलब अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद सासू माँ जो है जो भी गाँव में लोग हैं उन सबको बांट देते हैं बहुत सारे, कैक्टस का, एलोवेरा का एंड ये सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखो फूल, कैमरा में जब फूलों को कैप्चर करते हैं या तितलियों को कैप्चर करते हैं इतना ब्यूटीफुली आता है। एंड दिस इज़ द वन अबाउट विच आई वॉज टॉकिंग। सो ये देखो ये ग्रीन कलर का मटर जैसा दिख रहा है ना, पक जाता है तो लाल या पीले कलर में कुछ हो जाता है, तब इसको डायरेक्टली ऐसे खा सकते हैं। एंड अब आपको मैं तितलियाँ दिखाती हूँ, ससुर जी बाहर जा रहे हैं। ये देखो तितली के आगे ना एक नीडल टाइप का है वो, और फूल में जो होल होता है वो नीडल निकाल निकाल के अलग अलग होल में डाल रही थी। अभी जैसे आप वो स्विंग देख रहे हैं ना तितली की बॉडी में, वो स्विंग जब कर रही है ना तो वो
जो जूस है उसको खींच रही है बड़े ही प्यार से, और हम लोग निकाल रहे थे लेकिन वो इतनी मस्त है, मतलब एकदम बिजी है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो कैमरा में इतनी अच्छी तरह कैप्चर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा ब्लर हो गया, सेटिंग्स करनी पड़ती है। तो मेरे हस्बैंड भी निकाल रहे थे वीडियो, एंड वी वर लाइक कि आराम से निकालते, नहीं तो उड़ जाएगी करके। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि इसमें से ऐसे जूस आ जाता है, तो मेरे हस्बैंड ने थोड़े से फूल तोड़े एंड मेरे मुँह में रखे, इसको खींचो करके, मतलब सक करो। तो जैसे ही मैंने सक किया ना, उसमें से बहुत मीठा मीठा सा आया कुछ। मैंने बोला वाह भैया, इसलिए तितलियाँ चिपकी हुई है उसके ऊपर। मैं सोची ये नॉर्मल फूल होंगे जिस पे जूस वूस नहीं होता होगा। एंड देखो अभी अगर आपको उसका जो डंक टाइप का है वो दिख रहा है कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं तो वहाँ लाइव देख रही थी। एंड हर एक तितली इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या बताऊँ। ये देखो जूस, उसके अंदर का नीडल, मैंने फूल के अंदर का नीडल निकाला तो ऐसे जूस निकल रहा था। हालत देखो, शक्लें इतनी बर्बाद हो रखी है क्योंकि इतना पसीना आ रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। एंड ये देखो, ये दो चार वैरायटी की हम लोगों ने तितलियाँ कैप्चर करी है, तो देखिए तीसरी वैरायटी है। एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इन पर्पल कलर, जो आप पीछे देख रहे हैं, नीचे दो ऐसे ड्रॉप जैसे लटक रहे हैं एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, आप देखना, कंपेयर करना। एंड ये वाली तितली थोड़ी एक्साइटेड है, वो वाली पहले वाली तितली जो है विंग्स अपने बहुत स्लोली मूव कर रही थी, लेकिन ये बहुत ज़ोर से मूव कर रही है जब वो सक कर रही है। तो जल्दी जल्दी अपना डंक एक निकाल के फूल का जो सेंटर में होल है ना उसमें घुसा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, आई टेल यू, हर बार कैप्चर करने के लिए नहीं मिलता है, मैंने भी पहली बार ही कैप्चर किया है। एंड ये तितली अलग है, देखो इसके जो विंग्स में वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको डिज़ाइन, वो पहले वाले में नहीं था। तो क्या ब्यूटी बनाई है भगवान ने, है ना। तो अभी सासू माँ जो है कपड़े सुखा रही हैं एंड हम लोग जा रहे हैं वापस घर में, क्योंकि नहाना धोना भी है। एंड ये जो पौधा है पहले गमले में लगाने से बहुत बढ़ रहा था, तो इसको ज़मीन पे डाल दिया, एकदम वास जैसा लगता है, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड ये बहुत सॉफ्ट था टच करने में। सो हम लोग भी घूमी घूमी करके आ गए, आप लोग को भी मैंने घूमी घूमी करा दी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड मेरी छोटी मम्मी का घर अच्छा लगा हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर चिपकाइएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा कि गांव के ये वाले जो लुक है ना हर जगह देखने को आपको नहीं मिलेंगे। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।